पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का आज नैनपुर आगमन हुआ, जहां आप पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि मंडला जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जहां भरे ऑफिस में लोगों के बीच में एक नौजवान युवती की हत्या कर दी जाती है और 3 दिन में मंडला में 2-2 मर्डर हो जाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल के गठन ना हो पाने के कारण उनको डर है कि कहीं उपचुनाव में उनकी हार ना हो जाए और उन्हें सत्ता से बेदखल ना होना पड़ जाए। इस कारण से मंत्रिमंडल के गठन को शिवराज सरकार ने टाल रखा है। वहीं दिग्विजय से विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की वापसी की उम्मीद लगाए हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो सरकार है वह पूरी तरह से खरीद फरोख्त वाली सरकार है और जनता इसका मुंहतोड़ जवाब बीजेपी को देगी। शिवराज को डर है कि उपचुनाव में कहीं उनकी हार ना हो जाए। नैनपुर में इसके पहले दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री नैनपुर के कांग्रेसी नेता के निधन पर उनके निवास स्थान पर शोक व्यक्त करने पहुँचे। उसके बाद पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के घर पर नाश्ता करते हुए केवलारी मझगवां की ओर निकल गए, जहां से वे आज शाम को भोपाल रवाना हो जाएंगे। नैनपुर से अनिल जांगड़ी की एक रिपोर्ट। इस तरह से हरि परोचिया को मारा गया, जिस तरह से आदिवासी परिषद के कार्यालय में आदिवासी लड़की की हत्या की गई और कल एक 5 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया गया, सब घटनाएं जो आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है मंडला में, ये उसकी तरफ इंगित करता है पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता के जनमत को जिस प्रकार बेचा गया उससे लोग नाराज हैं। कमलनाथ जी बेहद अच्छे ढंग से काम कर रहे थे, जो उनके निर्णय थे माफियाओं के खिलाफ थे और इसी से परेशान होकर भाजपा ने 25 से 35 करोड़ रुपए देकर विधायकों को खरीदा और जनमत की चुनी हुई सरकार को गिराया। क्या टिप्पणी, ऐसा है धोखे बाद दगाबाजों को मंत्री बनाओ तो ऐसे ही उनको अपनी पार्टी में लो तो यही हशूर।